Assalamu alaikum. मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। जैसा कि आप सबको पता है, पाकिस्तान सुपर लीग के फीवर ने पाकिस्तान को ग्रिप करके रखा हुआ है। सब एक्साइटेड है पाकिस्तान में मैचेस होने के लिए। सलीम खालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। सर, आप तो शायकीन का जोशो खरोश ग्राउंड में जाके देख चुके हैं, अभी तक पीएसएल का सफ़र कैसा जा रहा है पाकिस्तान का? शुरू में कामिल ऐसा लग रहा था लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे संडे का दिन था उस दिन अच्छा क्राउड आया। फिर लाहौर कलंदर की हार ने इवेंट में एक नई जान डाल दी, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ लोगों का, तो अब लोग और आएंगे। अब जैसे मुल्तान में जो है मेला ये मुंतकिल हुआ है, मुल्तान में मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी मैच से काफ़ी देर पहले से। इससे ये जाहिर हो रहा है कि हमारे लोग कितना क्रिकेट को तरसे हुए थे और जब क्रिकेट वापस आई है तो कितना वो ज़्यादा खुश हैं। और मुल्तान वो यादगार ग्राउंड है जहाँ पर लारा ने भी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, सहवाग भी ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं। तो उसके बाद बदकिस्मती से जाहिर है हमारे पूरे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट रुकी, तो वहाँ भी नहीं हुई। उस वक्त उसको कहा जाता था कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अभी भी जो मैंने वहाँ की ताज़ा तस्वीरें देखी या वीडियो का देखी तो अभी भी बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है। तो एक अच्छी बात यह है कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, उसके बाद अब मुल्तान जहाँ पर क्रिकेट वापस आई है, रावलपिंडी में पीएसएल के मैच भी होने पहली बार। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वही पुराना वाला माहौल आ जाएगा जब क्रिकेट जो है वो पहले नंबर पर होगी और सिक्योरिटी के बारे में बाद में बात करेंगे लोग। आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू होना शुरू हो चीज़ हो गई है कि अब लोग इतना ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करते कि जी सिक्योरिटी इंतजाम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं। तो लोगों का अतमाद बहाल हो रहा है, गैर मुल्की क्रिकेटर्स का भी अतमाद बहाल हो रहा है। तो इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें जैसे 10-12 साल पहले हुआ करती थी। बिल्कुल सर, मैं तो खुद जा नहीं सका अभी तक मैचेस में, तो आगे इंशाल्लाह होपफुली शायद मौका मिले। लेकिन कराची का ख़ास तौर पे एक क्राउड का जितने दोस्त गए हैं, जो लोग मुझे बता रहे हैं वो ये है कि एक जो क्राउड के जो शोर होता है, एक एक्साइटमेंट लेवल ही ख़ास तौर पर कराची का, वो एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, जो जोशो खरोश लोगों का आ रहा है। तो आपने तो एक्सपीरियंस किया है वो, तो एक कैसा माहौल बन रहा है कराची के अंदर? बड़ा ज़बरदस्त माहौल था और फैमिलीज़ भी आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, काफ़ी सारे लोग थे और बहुत खुल के, आपको पता है कराची वाले तो एंजॉय करते हैं मैच, लाहौर वाले भी इसी तरह करते हैं, कराची में भी ज़्यादा होता है। और दिलचस्प बात ये हुई थी, एक मैच जो कराची किंग्स का हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो आधे लोग सपोर्ट कर रहे थे कराची को, आधे क्वेटा को। और मज़े की बात ये, क्वेटा को जो मैच जितवाया वो कराची के दोनों लड़कों ने जितवाया, सरफराज ने और आज़म ने, और कराची के खिलाफ ही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि लोग जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं कि भाई कराची नाम है इसको सपोर्ट करें या इधर अपने कराची के खेल रहे इनको सपोर्ट करें। तो पीएसएल की यही खासियत है कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे उस दिन लाहौर का मैच हुआ, हम लोग टीवी पर देख रहे थे, मुझ समेत 99% लोगों की ख्वाहिश होगी कि लाहौर जीते। तो यही खूबी है पीएसएल की, यही कि हम लोगों को मुख्तलिफ टीमों के साथ जो अटैचमेंट होने लगती है, जिसका अच्छा खेल हो, कोई ज़्यादा हार रहा हो तो अटैचमेंट होती है कि भाई ये हार रहे हैं, काश जीत जाएं जैसे लाहौर के साथ है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है अभी तक। तो मैच उधर स्टेडियम में भी कवर करने में बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग मैचेस हुए और टीवी पे भी जो मैच देख रहे हैं वो भी अच्छा लगा। सर, लाहौर की आपने बात की, मैं खुद भी 5 साल वहाँ पे रहा हूँ, तो मेरे अच्छे खासे दोस्त यार वहाँ पे हैं जो लाहौर के बेस्ड हैं। उनका सर एक जो शायकीन का एक सपोर्ट है, जो एक लॉयल्टी है, मैंने ऐसी सपोर्ट नहीं देखी किसी में, कि वो उनकी टीम 5 सीज़न से इतने बुरे हाल से गुजरती हुई आ रही है, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि वो हर मैच को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे पीएसएल का फाइनल चल रहा हो। तो सर, लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, उनके ओनर के बारे में क्या कहेंगे और उनके लॉयल फैंस के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर की टीम पीएसएल नहीं जीत रही, लेकिन पीएसएल की जो अगर ब्रांड के हवाले से बात हो कि अगर आप रखें तो उसमें मेरे ख्याल है वो नंबर वन पे वही है कि एक हारी हुई टीम जो हर साल सबसे आखिरी नंबर पे आती है, उसको इतना बड़ा उन्होंने ब्रांड बना दिया है। बिल्कुल। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी बहुत अच्छी है और लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एमसीसी के साथ मैच हुआ था कजाफी स्टेडियम में, मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा स्टेडियम भरा हुआ था। बिल्कुल। बहुत लोग आए हुए थे। फिर वो बच्चे की वीडियो आपने देखी, वो रो रहा है लाहौर के हारने पे। मैंने अपनी मिसाल बताई आपको, एक दो और लोगों ने इस तरह बताया कि सब लोग मतलब एक अटैचमेंट सी फील करते हैं। सर, एमसीसी के मैचेस के टाइम तो लाहौर कलंदर्स के टीम मेंबर्स खुद रोडों पे गए थे लोगों को टिकट्स देने के लिए कि आप ज़रूर हमारे मैचेस में आएँ, तो बहुत उन्होंने सपोर्ट अपनी गार्नर की थी। जी, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है ना मुख्तलिफ किस्म की, मेरे ख्याल है उनके पास कोई है जीनियस ऐसा जो ये सब प्लान करता है जिसके बाद वो होते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो उनके मार्केटिंग में है या उनके मालकान हैं वो सिर्फ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं कि जी
टीम को अच्छा कैसे बनाएं या रेवेन्यू कैसे जनरेट करें या इवेंट को कैसे लीग को आगे लेके जाएं, अपना ब्रांड कैसे बड़ा करें, ग्राउंड में जाके वो नहीं खेल सकते, ग्राउंड में जाके खेलना पड़ता है प्लेयर्स को। लेकिन अब हर साल उनकी टीम अगर उठा के देखें तो बड़ी बैलेंस टीम होती है, लेकिन बदकिस्मती से जब वो परफॉर्म करने के लिए ग्राउंड में जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस फिर ख़राब हो जाती है, कभी कोई इंजर्ड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जैसे इस अभी जो मैच हुआ था वो तो मुझे तो लग रहा था 90% वो लोग जीते हुए मैच हैं, एकदम गेम ऐसा चेंज हुआ कि वो हार गए। मैं जिसके साथ मैच देख रहा था उसने कहा मेरा दिल चाह रहा है मैं टीवी तोड़ दूं। मैंने कहा भाई बात सुनो, मेरे घर से बाहर जाओ फिर तोड़ दो अपने घर का टीवी। तो मतलब लोगों के जज्बात ऐसे हो गए थे। अच्छा है पीएसएल के लिए, बहुत अच्छा है ये। अगर लाहौर की टीम जीत जाती तो इतना ज्यादा इवेंट को फायदा नहीं होता जितना उसके हारने से हुआ। एक हाइप सी बन गई लोगों में, कहा यार इतने जबरदस्त इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं तो हम तो जाएंगे देखेंगे और मजे करेंगे। बिल्कुल। और सर प्लेयर्स की भी इस दफ़ा पीएसएल में देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स इस दफ़ा बड़े बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज। आजम खान हो गए हमारे, सरफराज अहमद हो गए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई है। शाहीन शाह अफरीदी जैसे आपने अभी जिक्र किया, मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट लाहौर को इतना अच्छा मैच करीब लेके गए। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की इस साल पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के बारे में अब तक आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा फ़ायदा तो कामिल यही हुआ ना कि पीएसएल मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में आ गई है। तो ऑब्वियसली इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही हो रहा है। पहले हो रहे थे मैचेस, कुछ हो रहे थे, कभी एक दो हुए फिर आठ हुए, इस तरह से इस दफ़ा पूरी पीएसएल के 34 मैचेस यहाँ होने। तो ज़ाहिर है अपने ग्राउंड में जब आप खेल रहे होते हैं, जहाँ आपने बचपन से खेले हैं वहाँ पर, और वो सारी कंडीशन से फेमिलर हैं वेदर से, दूसरे लोगों से, और अपने क्राउड की इतने सारे क्राउड है जैम पैक स्टेडियम, वो आपको बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो आपका वैसे ही जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और ये सब चीज़ें। बिल्कुल, मे बी एक रीज़न ये भी हो। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी आई। आज़म का आपने जिक्र किया, तो आज़म खान की जब वो टीम में आए थे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई, और बाकी लग ऐसा रहा था कि अपने वालिद की वजह से आए, क्योंकि उनका वेट मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग उनको ये कहते थे यार ये कहाँ से आ गया, ये उसका अब्बा लेकर, हो सकता है उसके अब्बा ही लेकर आया हो, बल्कि उसके अब्बा ही लेकर आए थे। लेकिन उसने प्रूफ कर दिया कि अब्बा ने अगर मुझे देखा, सिलेक्ट किया, तो कुछ देख के उन्होंने दिया। दोनों मैचों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लोग कुछ क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जी आप लोग इमामुल हक को तो उड़ाते थे कि इंजमामुल हक का जो है वो भतीजा है तो वो आ गया, इसको बड़ा प्रेस करें। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जी ये एक फ्रेंचाइज बेस्ड लीग है। क्वेटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर है, उनकी मर्जी, वो कामिल को खिला दें, वो इनको खिला दें, वो मुझे खिला दें, उनकी मर्जी, उनका पैसा लगा हुआ है। हाँ, अगर पाकिस्तान टीम की बात आई और मोइन खान चीफ सेलेक्टर बने और आज़म खान को अभी वो लेकर आए तो मैं खुद जाऊंगा धरना देने के लिए, ये चीज़ गलत है। लेकिन अभी मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ, ये फ्रेंचाइज बेस्ड लीग है, यहाँ आए और उन्होंने अपने आप को परफॉर्म करके दो मैच कोटा को जितवा दिया, और क्या चाहिए। बिल्कुल। और फ्रेंचाइज तो सर चाहेगी भी प्लेयर्स ऐसे लेना कि आप इंटरनेशनल प्लेयर एक उठा लो और वो परफॉर्म ना करें आपके लिए, उससे बेहतर तो ये आज़म खान ही होगा जो दो मैचेस आपको जिता के बैठ गया। तो सर मैं आपके साथ एक थोड़ी सी नई चीज़ भी करना चाहूँगा, मैं आपसे प्लेयर का मैं किसी भी एक का नाम, पहले मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, मैं चाहता हूँ कुछ बात बता रहा हूँ आपको, आप मुझसे वो नहीं पूछेगा सवाल, ठीक है? पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में क्या हुआ, उमर अकमल केस क्या था, कराची किंग्स के डग आउट में क्या हुआ, इमाद वसीम ने बॉल टेम्परिंग के बारे में क्या कहा, सरफराज अहमद ने बॉल टेम्परिंग के हवाले से क्या बयान दिया, किस साबिक खिलाड़ी का एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बना, और शुरू में क्राउड क्यों नहीं आया, इनके अलावा जो पूछना पूछे। बिल्कुल। तो सर मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा आपके साथ और आपने छोटे से एक मुख्तसर से अंदाज में आपने बताना है कि आप उन प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हैं, पीएसएल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं और उनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर है और उन्होंने परफॉर्म किया, जो लाहौर का आखिरी मैच था ऑलमोस्ट उन्होंने जितवा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से बाद में उस्मान का ओवर जो था वो इतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी टीम जो है उनको शिकस्त हो गई। लेकिन उनका फ्यूचर बहुत ताबनाक है, उन्होंने अपने आप को साबित किया है पाकिस्तान के लिए भी, और दिन ब दिन उनके खेल में निखार आता जा रहा है। बिल्कुल। मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो बुज़ुर्गों में शामिल होते हैं, और ये एक दो बुज़ुर्ग इस तरह खेल रहे हैं, कामरान अकबल भी खेल रहे हैं, ये भी खेल रहे हैं, कर रहे हैं अच्छा है परफॉर्म, एक इनिंग उन्होंने अच्छा खेली, उम्मीद है कि उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे और आगे भी लाहौर कलंदर के लिए ऐसे खेल पेश करेंगे और जितवाएंगे उसको मैच। बिल्कुल। कामरान अकमल, कामरान अकमल पीएसएल के लिए ही हैं, पीएसएल के किंग हैं वो, लेकिन पिछले साल भी पीएसएल में आप देखा होगा उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग की, और जब वो खेल रहे होते तो लग रहा होता है कि क्या ब्रायन लारा खेल रहा है, डॉन ब्रैडमैन खेल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से वही बात आई थी कि वो अब उनकी जो क्रिकेट रह गई वो पीएसएल तक ही रह गई है, और अभी काफ़ी सारे मैचेस एंजॉय करें उनकी बैटिंग। बिल्कुल। नसीम शाह,
नसीम शाह अच्छे बॉलर हैं, टेस्ट में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अभी कुछ फिटनेस मसाइल हुए थे जिसकी वजह से जब हम ये शो कर रहे हैं इस वक्त तक तो एक ही मैच वो खेल सके थे। 2020 क्रिकेट अलग है, इसमें आपको चार ओवर करने होते हैं, इसमें आपको विकेट से ज़्यादा आपको ये भी देखना होता है रन भी रोकें आप। तो हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस उनकी आएगी जैसे टेस्ट में उन्होंने किया था तो ये ज्यादती होगी, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ चलना चाहिए। T20 भी वो खेल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखेंगे, और एक अच्छा प्लेयर होता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एडजस्ट करके तीनों तरफ के लिए अच्छा हो जाता है। मूसा खान भी, उनके बारे में भी यही है, वो भी अच्छे प्लेयर है, उन्होंने भी परफॉर्म किया है और बैटिंग में भी परफॉर्म किया उन्होंने, और बड़े ही अनएक्सपेक्टेडली, मतलब लग नहीं रहा था कि हमें एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं थी कि वो इस तरह से परफॉर्म, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आखिरी विकेट है एक तो वो बड़े हिट्स के लिए और जितवा दिया उन्होंने मैच अपनी टीम को। और उनकी टीम के किसी मेंबर का मैं स्टेटमेंट भी देख रहा था, उन्होंने भी कही हमेशा मुझे कहता था मुझे बैटिंग कराओ, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की वो तो लग रहा था कि बंझा हुआ बैट्समैन है, और बॉलर तो है ही अच्छे। वो सरफराज अहमद ने बड़ा इम्प्रूव किया है, उनको अगर आप करीब से देखें उनका पेट वेट जो बाहर आ रहा था अंदर हो गया, फिटनेस बड़ी अच्छी है उनकी, और बहुत ज़्यादा कमिटेड तो हमेशा होते हैं वो, लेकिन इस दफ़ा की मैंने परफॉर्मेंस देखी, एक उनमें भूख नज़र आ रही है कि मुझे अपने आप को एक बार फिर साबित करना है और कौमी टीम में वापस आना है। और देखें मैच फिनिश किया, जो लास्ट मैच था वो उन्होंने फिनिश किया, नॉट आउट वापस आए, वो पहला मैच था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो लग रहा है कि सरफराज में काफ़ी सारा बेहतरी आई है, और अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की गई तो मैं उनको T20 वर्ल्ड कप खेलता हुआ देख रहा हूँ। तो सर ये तो मैंने आपसे पूछना था प्लेयर्स के बारे में, अब हमारा PSL का स्टेज मूव कर रहा है मुल्तान और रावलपिंडी की तरफ, आगे PSL को आप किस तरह देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम्स अपना लोहा मनवाने में कामयाब होंगी? PSL में बहुत ज़बरदस्त शायकीन अटैच हो चुके हैं इसके साथ, चाहे वो टेलीविज़न की बात हो या हमने मुल्तान में देखा कितना क्राउड आया था, पिंडी में भी इंशाल्लाह इतने ही लोग आएंगे, कराची में, लाहौर में भी आखिर में जब संडे वगैरह में लोग आने लगे थे तो लोगों की दिलचस्पी तो बहुत बढ़ गई है, मैचेस भी कुछ बहुत अच्छे हुए हैं, तो आगे और इसी तरह होता रहेगा, आपको इनफरादी परफॉर्मेंसेस अच्छी नज़र आती रहेंगी, लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहेंगे, और मैं तो यही देख रहा हूँ कि इवेंट ये कामयाबी से हमकिनार होगा क्राउड के हवाले से भी और मैचेस, क्योंकि मेयार जो है मैचेस का वो बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस की तरह है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी कोई डोमेस्टिक लीग खेली जा रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई इंटरनेशनल 2020 मैच खेला जा रहा है, चाहे प्लेयर्स की बात हो या दूसरे तरह से खेल के मैयार की बात हो, तो अभी तो बहुत बाकी है, इतनी जल्दी हम अगर किसी टीम के बारे में कहें कि ये टीम बहुत आगे जाएगी तो बहुत कबलस वक्त होगा। अभी आप देखें सिवाय लाहौर कलंदर के तमाम टीमों की परफॉर्मेंस मिली जुली सी है, तो ये चेंजेस आते रहेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहेंगे, अभी लाहौर आखिरी नंबर पे है, क्या पता वो भी ऊपर आ जाए। बिल्कुल, तो सर आपने बहुत सारे PSL में दौरान PSL के बहुत सारे प्लेयर्स के आपने इंटरव्यूज लिए हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, तो कोई मज़ेदार वाकया हुआ किसी प्लेयर के साथ जो आप हमारे फैंस को बताना चाहें? मज़ेदार वाकया तो होते ही रहते हैं अभी जैसे शेन वॉटसन से मैं मिलने के लिए गया, तो शेन वॉटसन ने मुझे देखते ही कहा ओ सलीम हाउ आर यू, वो पहचान गए मैं, अच्छा फिर उन्होंने आगे कहा आई होप योर माइक इज इन वर्किंग कंडीशन नाउ, उनको याद था तो जो अबू धाबी में उनका इंटरव्यू मैं करने गया था तो मेरा माइक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो फिर दोबारा उनको बुला के लाए थे, दोबारा के उनको याद था, मैंने कहा आपको याद है सारा, वो कहने लगा हाँ मुझे याद है फिर मैंने अपना एयरपॉड उनको दिया, मेरी अभी भी मेरी जेब में रखा होगा, ये एयरपॉड मैंने निकाला मैंने उनको दिया, वो देखने लगे हैरत से, वो कहने इट्स फॉर मी, मैंने कहा नो इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर साउंड रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने अपने कान में लगाया, ये मेरा प्लान बी था सही कि मैं मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने अब वो इंटरव्यू देखे कि शेन वॉटसन का तो मैं अक्सर उसमें ना यूं नीचे देख रहा हूँ, बिल्कुल, तो वो मैं इसीलिए देख रहा था, मैं मोबाइल में देख रहा था ये साउंड रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, मुझे फिक्र लगी हुई थी क्योंकि वो जो वाकया हुआ था अबू धाबी में वो इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था और उसकी पूरी आवाज़ ही नहीं आई थी जो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था, तो ये फिर हाशिम आमला से मेरी मुलाकात हुई, तो फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई, इनको बड़ा क्रिकेट खेलते हुए देखा है और उनकी जो पर्सनैलिटी है अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ हम लोग सारे पाकिस्तानी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तो मैंने कोशिश की तो उनका इंटरव्यू अरेंज हुआ, तो जब वो आए मिलने के लिए तो मैं बड़ा मुतासर हुआ उनसे देख के, उन्होंने बिल्कुल सलाम किया, सलाम अलैकुम ब्रदर, और बैठ गए, मैंने कहा देखें आपको जो सवाल का जवाब देना है आप दीजिएगा, नहीं देना है तो आप कह दीजिएगा नो कमेंट्स, उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है आप मुझसे कोई ऐसा उल्टा सीधा सवाल करेंगे ही नहीं, तो फिर उनसे बातचीत होने लगी तो ऐसा लगी नहीं रहता कि इतना बड़ा सुपरस्टार है वो, बिल्कुल भी उनमें तकब्बुर या इस तरह की चीज़ नहीं थी, और बहुत ही धीमे लहजे में बात करने वाले, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, मैंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे लेकिन उन जैसा मैं कहूँगा कि नहीं देखा, आधे घंटे की मेरी मुलाकात थी लेकिन बहुत ज़बरदस्त असर छोड़ा। इसी तरह शेन वॉटसन का भी मैं बताऊँ यही कि उनसे भी मेरी दूसरी मुलाकात हुई लेकिन उन्होंने भी बड़ा अच्छा असर छोड़ा, मतलब
ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बहुत बड़े स्टार्स हैं और जो गर्दन में सरिया आ जाते जैसे हमारे इस तरह का नहीं है। और पाकिस्तानी प्लेयर से तो ज़ाहिर है वो सारे ही जानते हैं और अच्छी तरह मुलाकातें होती रहती हैं, वाकयात भी है। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते रहूँगा क्योंकि अब आप मुझे इशारा करने लगे जैसे आपका शो का टाइम खत्म होने वाला है। चलिए सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपने फैंस को बताते चले कि आप सलीम खालिक साहब के सारे इंटरव्यूज़ हमारी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk पे देख सकते हैं। तो ये था हमारा PSL का एनालिसिस टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक के साथ। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।